1.2 में हमने दो स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट दिखाया था बट बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। आज भी हमें दो स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट दिखाना है बट विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, दैट इज बाय यूजिंग दीज लॉज। तो आज हम लॉज सीखने वाले हैं जिससे कि हम दो स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स और वी कैन से लॉज ऑफ लॉजिक। सो फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मीन्स पी और पी, दैट इज इक्विवेलेंट टू पी, एंड यू कैन राइट इट्स डुअल ऑल्सो। डुअल में हम क्या करते हैं, और को चेंज कर देते हैं एंड। सो पी एंड पी इक्विवेलेंट टू पी। यू कैन सी If P is T, so you know T or T, it is T. F or F, it is F. Similarly, T and T, T. F and F, F. So therefore, ऐसे याद रख सकते हैं हम, P and P is P and P or P is also P. So this is idempotent law. नाउ सेकेंड वन तो हम लोअर क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं। हमने लॉ यूज किया है 2+3=3+2, जिसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेम इन केस ऑफ एडिशन ऑल्सो। सो जैसा हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लोअर क्लासेस में यूज करते थे, सेम हेयर पी और क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू और पी। सेम इट्स डुअल, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। यू कैन ऑल्सो सी दैट टी और एफ, इट इज इक्वल टू एफ और टी। सो रिमेंबर दिस कॉम्यूटेटिव, पी और क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू और पी, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। ये भी हम कर चुके हैं लोअर क्लासेस में। 2+3+4=2+3+4। सिमिलरली हेयर ऑल्सो पी और क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू और आर। नाउ इट्स डुअल क्या होगा, और जहां पर भी है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एंड। सो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमने नेगेशन में यूज किया था। हम इसे 11th स्टैंडर्ड में सेट्स वाले चैप्टर में भी यूज कर चुके हैं। सो व्हाट इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का नेगेशन। तो यहाँ पी का नेगेशन आएगा, क्यू का नेगेशन आएगा, और साइन को हम चेंज कर देंगे एंड में। और अगर यहाँ पर एंड होगा तो पी एंड क्यू का नेगेशन, पी का नेगेशन, क्यू का नेगेशन और एंड चेंज हो जाएगा और। कंडीशनल, कंडीशनल वी नो पी इम्प्लाइज क्यू, इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। बाय कंडीशनल, पी बाय इम्प्लाइज क्यू, इसे हम क्या लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू and Q implies P. P implies Q, negation P or Q, and Q implies P को लिखेंगे negation Q or P. The next important property is distributive law. Very very important, but generally student confuse करते हैं इसको associative के साथ। एसोसिएटिव में तीन स्टेटमेंट पी क्यू आर, इसमें भी तीन स्टेटमेंट पी क्यू आर, लेकिन एसोसिएटिव में ये साइन दोनों सेम रहते हैं, जो कनेक्टिव रहते हैं और अंदर भी और। तो ये हो जाता है पी और क्यू और आर। सिमिलरली एंड वाले केस में दोनों एंड रहते हैं, तो पी एंड क्यू एंड आर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हमें बहुत से क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है, एक साइन और का रहेगा
और दूसरा साइन एंड का, पी और क्यू एंड आर। तो ये हो जाएगा पी और क्यू एंड, पी और क्यू, पी और आर, और बीच में साइन लग जाएगा एंड का। पी और क्यू, पी और आर, बीच में आ जाएगा एंड। अब इसका ड्यूअल देखते हैं हम, पी एंड क्यू और आर, एक कनेक्टिव एंड, दूसरा कनेक्टिव और, तो क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू, पी एंड आर, और बीच में हो जाएगा और। दूसरी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक पी और एक उसका नेगेशन, तो पी और नेगेशन पी, और वाले केस में हमेशा टी आएगा, एंड वाले केस में हमेशा एफ आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन, अगर पी टी है तो नेगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, एंड टी एंड एफ, एफ, और P को अगर हम T लेते हैं, Q को उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड T और F, इट इज T। तो हमें क्या याद में रखना है कि नेगेशन और T अगर एक साथ आएंगे, और रहेगा तो T आएगा, एंड रहेगा तो F आएगा। नाउ नाइन्थ लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमें पता है यहाँ पर कि और में क्या होता है, एफ और एफ, जब दोनों एफ रहते हैं तभी एफ आता है, अदरवाइज टी रहेगा। तो पी और टी, अगर एक टी आ गया तो 100% आंसर में टी ही आने वाला है, क्योंकि और वाले केस में दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, और यहाँ तो हमें क्लियर कट एक टी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर पी कुछ भी रहे, पी ट्रू रहे या फॉल्स, लेकिन ये क्या आएगा, ट्रू। अब पी और एफ, अगर एक स्टेटमेंट एफ है तो सब कुछ डिपेंड करता है पी के ऊपर, पी अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, और पी अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। इसलिए एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो पी और एफ, ये पी हो जाएगा, और अगर टी है तो पी और टी, ये टी रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका नेगेशन, पी और का क्या बन जाएगा, एंड, टी का क्या बन जाएगा, एफ, टी का एफ, और ये इसका नेगेशन। सो एंड के केस में पी एंड टी, अगर एक स्टेटमेंट टी है तो सब कुछ डिपेंड करता है पी के ऊपर, क्योंकि एंड में होता है टी एंड टी, टी, इसलिए अगर ये टी होगा तो आंसर टी आएगा, अगर ये एफ होगा तो आंसर एफ आएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है पी के ऊपर, और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो 100% आंसर फॉल्स ही आएगा। अब एब्जॉर्प्शन लॉ, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ऑलमोस्ट किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करते, बट फिर भी पी और पी एंड क्यू, इट इज इक्विवेलेंट टू पी, एंड पी एंड पी और क्यू, वन इज एंड वन इज और, P and P or Q, it is P. So, total हमारे 10 laws हैं, जो तुम्हें अच्छे से याद करने हैं, समझने के साथ साथ याद भी करने हैं। अब हम इनको apply करेंगे question में, और हम दिखाएंगे कि दो statement equivalent कैसे होंगे without using question है, without using truth table, बिना truth table use किए, show that ये दोनों statements equivalent हैं। तो जो भी हमने लॉ सीखे वो सब इसमें यूज करने हैं। स्टार्ट करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक और है और दूसरा एंड, इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सही फॉर्म में लाने के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, P एंड Q इक्विवेलेंट टू Q एंड P, तो इसको P ले लो, इसे Q ले लो, P एंड Q, Q एंड P, तो कौन सा लॉ यूज किया है वो मेंशन करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब
एंड और है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम यूज करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? पी एंड क्यू और आर. कैसे लिखा जाता है इसको? पी एंड क्यू, पी एंड आर, और बीच में आ जाएगा और. तो ऐसे ही लिखेंगे, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है. तो नेगेशन पी एंड पी एक ब्रैकेट में, नेगेशन पी एंड क्यू दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में आ जाएगा और. कौन सा लॉ यहाँ पर मेंशन कर देना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ मोस्टली क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस में यूज होते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट. मैंने क्या बताया था? एंड वाले में पी एंड नेगेशन पी एफ होता है, और पी और नेगेशन पी हमेशा ट्रू होता है. तो ये एंड वाला केस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स. और ये एज इट इज. कौन सा लॉ यूज किया हमने यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब अगला लॉ है आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी लॉ पी और एफ. और वाले में अगर एक स्टेटमेंट एफ है तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? पी पर. पी और एफ, पी एंड पी एंड टी, पी और टी इज टी. क्योंकि अगर एक टी है तो और वाले केस में 100% टी ही आएगा, लेकिन अगर एक एफ है तो सब कुछ डिपेंड करेगा पी पर, इसलिए पी और एफ पी. तो ये एफ है, एफ और एक स्टेटमेंट ये. तो आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग इसे हम क्या लिखेंगे? एफ और पी, दैट इज पी. तो हम ये लिख देंगे. सो ये प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू आर इट इज. अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, जिसमें हम पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी शो करना है. तो स्टार्टिंग करते हैं आरएचएस से. आरएचएस इज पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू. नाउ सी केयरफुली, दोनों ब्रैकेट में और है और बीच में क्या है? एंड. इसका मतलब हमें यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यू कैन सी और दोनों ब्रैकेट में, बीच में एंड. तो कैसे लिखते हैं? पी और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू एंड आर. तो यहां पर क्या लिखेंगे? पी और क्यू, पी और नेगेशन क्यू. तो हम लिखेंगे पी और ब्रैकेट में आएगा क्यू एंड नेगेशन क्यू. इधर आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मैंने बताया था जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ सीक्वेंस में यूज करते हैं. तो अभी ब्रैकेट में क्या आया? क्यू एंड नेगेशन क्यू मींस कॉम्प्लीमेंट. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ? पी एंड नेगेशन पी, एंड वाले में फॉल्स होता है, और वाले केस में हाँ हमारे स्टेप में हमें क्या मिला है? क्यू एंड नेगेशन क्यू. तो इस रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एफ, फॉल्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं. अब किसका नंबर है? आइडेंटिटी. सो पी और एफ, अगर एक स्टेटमेंट एफ है और दिया है तो सब कुछ डिपेंड करेगा पी पर, क्योंकि अगर पी एफ होगा तो एफ आएगा, और अगर पी टी होगा तो टी आएगा, इसलिए पी और एफ पी. तो कौन सा लॉ है ये? आइडेंटिटी
लॉ. तो दिस इक्विवेलेंट टू आर एच एस. सॉरी हियर वी हैव टू राइट LHS. LHS इक्वल्स टू आर. थर्ड एग्जांपल लेंगे नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी. तो स्टार्ट करेंगे LHS से नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू. फर्स्ट ब्रैकेट में हम यूज करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ. क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ? नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, और का क्या हो जाएगा? एंड. तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू. अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो यहां पर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एंड है, बीच में और, P एंड Q, P एंड R. तो हम लिखते हैं P एंड, ब्रैकेट में लिख देते हैं Q और R. तो सेम यहाँ पर नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड Q. तो नेगेशन P एंड और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? नेगेशन Q और Q. तो ये हो गया. यहाँ पर हमने लगाया, इधर मेंशन करना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ. और यहां पर कौन सा लगाया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद जनरली कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो यू कैन सी नेगेशन क्यू और क्यू और वाले केस में ट्रू आता है. तो यहां क्या हो जाएगा? ट्रू, कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में क्या होता है? पी एंड पी, दैट इज पी. तो नेगेशन पी एंड पी, ये हो जाएगा नेगेशन पी. तो यू कैन सी LHS से स्टार्ट किया था और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं आर एच. सो नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से जिसमें तीन ब्रैकेट दिए हैं और दोनों के बीच में और दिया है. तो यहाँ लगाएंगे एसोसिएटिव पी और क्यू और आर. इसमें हम लिख सकते हैं पी और क्यू और आर या पी और क्यू और आर. तो हमने इन दो ब्रैकेट को एक साथ लिया क्योंकि इन दोनों में क्यू कॉमन है. तो यहाँ कॉमन ले लिया. हम इन दोनों को भी ले सकते थे यहाँ पर एक साथ, लेकिन अभी अब हम इसमें क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे Q एंड P और Q एंड नेगेशन P. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ P और Q इक्विवेलेंट टू Q और P. तो हमने P एंड Q को लिख दिया Q एंड P, इधर भी Q एंड नेगेशन P. अब हम लगाएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव. यहाँ एंड, यहाँ सॉरी बीच में और. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, हो जाएगा Q एंड P और नेगेशन P. ये देखो ये ब्रैकेट एज इट इज चलता जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. इसे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड देन आइडेंटिटी लॉ. तो पी और नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? और आए तो ट्रू और एंड वाले केस में एफ. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी और हमने लॉ जो यूज किया है उसको मेंशन करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ. नाउ आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है? पी एंड टी, इट इज पी. सो क्यू एंड टी को हम क्यू लिखेंगे, पी एंड नेगेशन क्यू.
ये हो गया आइडेंटिटी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, वापिस इधर और है, इधर एंड है। वापिस से ये स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव एंड आइडेंटिटी। इसके बाद हमें वापिस लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्यों? क्योंकि एक और है, ये एंड है। तो क्या लिखेंगे, क्यू और पी, दूसरे ब्रैकेट में क्यू और नेगेशन क्यू, और बीच में ये आ जाएगा एंड। याद रखो यहाँ पर लॉज लिखना मत भूलना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्यू और नेगेशन क्यू। और वाले केस में जब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, टी, और अगर यहाँ पर एंड होता तो इधर आता फॉल्स। नाउ क्यू और पी, ये पी पी एंड टी, अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी। पी एंड टी क्या होता है, पी, तो ये हो जाएगा क्यू और पी। ये पहला स्टेटमेंट एंड टी, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। अब हमें प्रूव करना है पी और क्यू, तो इधर हमने लगा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ एंड फाइनली इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस इक्वल्स टू आर। एप्लीकेशन ऑफ लॉज थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुम्हें मुश्किल लग सकता है, डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर ऐसे ही चार पांच एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो अपने आप रूल्स तुम्हें याद हो जाएंगे एंड देन इट विल बी इजी टू अप्लाई।